भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, जातस्य हि ध्रुवोर मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित रूप से होती है और मरने वाले का जन्म निश्चित रूप से होता है। ये एक ऐसा शाश्वत सिद्धांत है कि इसका दुनिया में कहीं उल्लंघन होता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन मृत्यु का तात्पर्य यह नहीं कि इसी के साथ जीवन समाप्त हो गया। वास्तव में मृत्यु जीवन के लिए एक पड़ाव प्रस्तुत करती है। जीवन का जो एक क्रम चल रहा था शैशव काल से प्रौढ़ावस्था तक, मानो इस बीच कार्य करते करते व्यक्ति थक जाता है, और जैसे दैनिक जीवन में थक जाने के बाद रात्रि में निद्रा की गोद में चला जाता है, वैसे ही जीवन क्रम में वो जब थक जाता है तो वो मानो मृत्यु की गोद में पहुँच करके चिर विश्राम करता है। इस जीवन का शुभारंभ कब से हुआ है कोई कह नहीं सकता है, कब तक चलेगा कोई कह नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने इसके लिए दो शब्द प्रयोग किया है, अनादिकाल से यह जीवन यात्रा प्रारंभ हुई है और अनंत काल तक यह जीवन यात्रा चलती रहेगी। हाँ, पूर्णता का लक्ष्य जरूर रहता है कि जो यात्रा चल रही है वो निरर्थक ना हो, वो पूर्णता की दिशा में सही कदम लेती हुई आगे चले, तो यही संस्कारों का प्रयोजन रहा है। और उसी क्रम में यह मरणोत्तर संस्कार आता है। मृत्यु के साथ जो अंत्येष्टि संस्कार होता है उसके बाद जो संस्कार किया जाता है अगले जीवन को प्रशस्त बनाने के लिए, उसको मरणोत्तर कहते हैं। मरण के बाद का संस्कार मरणोत्तर संस्कार कहलाता है, और यह प्रायः मृत्यु के 13वें दिन किया जाता है। 10 दिन तक सूतक माना जाता है, सूतक होता है। सूतक ऐसी एक पारिभाषिक शब्दावली है ऋषियों के द्वारा बनाई हुई। उनका मानना है कि चाहे घर में बच्चे का जन्म हो और चाहे घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो, दोनों स्थितियों में 10 दिन का सूतक माना जाना चाहिए। 10वें दिन उसका शुद्धि प्रक्रिया चलती है, घर की लिपाई पुताई सबको उसको शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जब शरीर से प्राण का उत्क्रमण होता है तो कुछ ऐसे वायरस और ऐसी बैक्टीरियाज भी घर में उनके विषाणु फैल जाते हैं, तो उनकी साफ़ सफाई की जाती है, रंगाई की जाती है, पुताई की जाती है, सारे क्रम धुलाई सफाई का करते हैं। और 10वें दिन इसको करने के बाद फिर 13वें दिन विशेष रूप से श्राद्ध तर्पण का विधान किया जाता है, और कुछ ब्राह्मण आदि का भोजन करते हैं, कुछ अपने प्रियजनों को भोजन कराते हैं। पहले इसीलिए परंपरा थी, जब कोई दिवंगत होता था तो उसके निमित्त व्यक्ति आमों का बगीचा दान कर देते थे, उसका फल वो स्वयं नहीं खाते, चाहे जो खाए, कोई भी यात्री आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उसका फल खाए। तो ऐसे ही लोकहित के कार्य करते थे, उनके नाम पर कोई धर्मशाला बना दी, कोई विद्यालय बना दिया, कोई प्याऊ लगा दिया, कोई अस्पताल बना दिया, कोई कुछ कर दिया, किसके नाम पर, उस मृतक व्यक्ति के नाम पर, अपने श्रद्धेय व्यक्ति के नाम पर। उसका प्रयोजन यही था कि उन्होंने जो कमाया है कम से कम समाज को उसका लाभ मिले, और ऐसे कार्य वो लोग किया करते थे। तो ये सारे प्रयोजन हैं इसके मरणोत्तर संस्कार के। ॐ पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। जिन कार्यों से अथवा विशिष्ट प्रक्रियाओं से पितरों की अंतरात्मा को तृप्ति प्रदान की जाती है उसी को श्राद्ध तर्पण कहते हैं। वास्तव में ये मरणोत्तर संस्कार का जो मूलभूत उद्देश्य है वो यही है कि हमारे वे पूर्वज जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, ऐसे श्रेष्ठ कार्यों को जिन्होंने शुरू किया, उनके उन श्रेष्ठ कार्यों को पूरा करना, उस कार्य को आगे बढ़ाना, उस आदर्श सिद्धांत को आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसीलिए ये मरणोत्तर संस्कार का विधान है, यम देवता का आवाहन किया जाता है। ओम
यमायत्वा मखायत्वा सूर्यस्यत्वा तपसे देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः सगं स्पृशस्पाहि अर्चिरसि शोचिरसि तपोसि ॐ यमाय नमः। वर्ष में एक बार तो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को हमें याद ही कर लेना चाहिए, उनके कार्यों को याद कर लेना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, यह ऋषियों का मंतव्य था। इसीलिए पूरे वर्ष में 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है जिसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कनागत कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं, अलग अलग नाम उसके हैं। ये माना जाता है कि उस समय पितर निकट आ जाते हैं अपने आत्मीय जनों के और ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारे आत्मीयजन हमारे लिए क्या कर रहे हैं। जो मरणोत्तर संस्कार ऋषियों ने बताया है, श्राद्ध तर्पण की जो विधा बताई है उसका कहाँ तक पालन कर रहे हैं, हमारे छोड़े हुए कार्यों को कहाँ तक कर रहे हैं, आदि आदि। पितरों का आवाहन इसमें दूसरे क्रम के रूप में करते हैं, एक चावल की ढेरी उनके लिए भी बनाते हैं और अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव का, उनके आदर्शों का, उनके सिद्धांतों का स्मरण करते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करने का संकल्प व्यक्त करते हैं मन ही मन। तो इस तरह से पितरों का आवाहन करके एक दीपक वहाँ जलाया जाता है। ये मान्यता है कि पितर प्रकाश के रूप में आकर के इस दीपक में समाहित हो जाते हैं। और वैसे भी अंत्येष्टि संस्कार में भी यह क्रम चलता है, जहाँ जब व्यक्ति दिवंगत होता है तो उसके प्रतीक रूप में एक दीपक वहाँ जला देते हैं और वो 8-10 दिन तक उसी तरह से जलता रहता है। मान्यता यही है, आत्मा का जो स्वरूप हमारे अंदर है उसको भी ज्योति के रूप में ही मानते हैं। आत्म ज्योति कहते हैं, सूर्य ज्योति कहते हैं, परमात्म ज्योति कहते हैं, सभी ज्योति रूप में ही है। तो ये प्रकाश का सिद्धांत हमारे ऋषियों ने बनाया है कि वास्तव में जीवन प्रकाश के रूप में ही है। प्रकाश के रूप में पहले था, कुछ समय वो शरीर के रूप में आता है, फिर अगला क्रम फिर प्रकाश के रूप में हो जाता है। तो उस पितर का जब आवाहन हम करते हैं तो भी प्रकाश के रूप में करते हैं, दीपक जला करके उसमें करते हैं और उनका पूजन करते हैं। ॐ विश्वे देवास आगत श्रृणुताम इमग्वं हवम् एदं बर्हिर्निषीदत। ॐ विश्वे देवाः शृणुते मग्वं हवं मे ये अंतरिक्षे य उपद्यविष्ठ। पितृआवाहन पूजन के बाद फिर तर्पण का क्रम होता है। तर्पण का अर्थ क्या हुआ? तर्पण का सीधा सा अर्थ है तृप्ति प्रदान करने वाला, प्यास बुझाने वाला। गर्मी में जैसे प्यास लगी होती है तो आदमी पानी यदि ना मिला हो देर से तो कितना छटपटा जाता है, कितना परेशान हो जाता है, और उस समय जब पानी मिल जाता है, पानी पीकर कहता है बहुत अच्छा लगा, बड़ी तृप्ति मिली, बड़ा संतोष मिला। यही मान्यता पूर्वजों के प्रति भी है। जब पूर्वजों के आत्मीय जन श्राद्ध तर्पण करते हैं तो पूर्वजों की आत्मा जहाँ भी होती है, उनकी चेतना जहाँ भी होती है, वहीं तृप्ति का अनुभव करती है, संतोष का अनुभव करती है कि हमारे परिजन हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमको कुछ याद बनाए हुए हैं। तो जो स्वर्गस्थ आत्माएं हैं, स्वर्ग में पहुंची हुई दिवंगत आत्माएं हैं, वास्तव में वो पदार्थ से तृप्त नहीं होती। आदमी की प्यास तो पानी से बुझती है, उनकी प्यास वो शरीर वाले के रूप में तो है नहीं, पानी से कैसे बुझेगी? पानी तो केवल प्रतीक रूप में दिया जाता है, वास्तव में उनके साथ जो हमारी भावना व्यक्त होती है, जिस भावना से हम पानी देते हैं। कई बार सुनने में यह भी आता है, जो लोग इन सिद्धांतों को नहीं मानते, हमारा कोई प्रियजन कहीं दूर रह रहा है, मान लो बालक बच्चा रह रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, उसको हमने मनी ऑर्डर किया, बैंक से रुपया लाए, एकदम नए नए कड़े कड़े नोट, और कहा पोस्ट ऑफिस वाले को कि इसका मनी ऑर्डर कर दो, ये कड़े कड़े नोट, नए नए नोट, बच्चे को हमारे नए नए नोट बहुत अच्छे लगते हैं, नए नए नोट उसको मिल जाएंगे। क्या वही नोट मिलेंगे बच्चे को जाकर? ये बात तो हमारी समझ में आती है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मनी ऑर्डर जब हम अपना रुपया करते हैं तो ये विश्वास कर लेते हैं ये रुपया नहीं जाएगा यहाँ से, तो केवल फार्म जाएगा और
पितरों के लिए यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो हम ये सोच कर चलते हैं कि जो कुछ हम यहाँ से दे रहे हैं उनके लिए खीर खिला बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो वो उसी रूप में उनको पहुँचना चाहिए। कितनी बड़ी विडम्बना है। ऋषियों ने जो कुछ बनाया था बड़ा ही मनोवैज्ञानिक था, बड़ा वैज्ञानिक था, हर दृष्टि से बड़ा उपयोगी था। वास्तव में उसके पीछे यही है कि वो भावना जाती है, श्रद्धा जाती है। अब श्रद्धा किसी बिना प्रतीक से कैसे होगी भाई? ये साकार उपासना जो भगवान की जाती है, इसीलिए तो की जाती है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, मंदिर में फिर कैसे आके बैठ गया? मंदिर में उनकी मूर्ति लगा दी जाती है, प्रतिमा लगा ली जाती है, उसके माध्यम से उस परमात्मा को हम उसमें देखने का प्रयास करते हैं, उनके गुण धर्म स्वभाव को उसमें देखने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को उसके अनुसार बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यही बात तर्पण में भी है। तो वास्तव में वो पानी वहाँ तक नहीं जाता, अपितु पानी देते समय, जल अर्पित करते समय, तर्पण करते समय जो हमारे भाव होते हैं वे भाव वो उन तक पहुँचते हैं और उसी भावना से वो, उसी श्रद्धा से वो संतुष्ट होते हैं। तर्पण में जल, दूध, जौ, तिल, चावल आदि का प्रयोग करते हैं, इसको मिला करके इसके माध्यम से तर्पण का क्रम चलाते हैं। वास्तव में दूध के माध्यम से हम मानो सात्विकता प्रदान कर रहे हैं, अपने अपनी सतोगुणी वृत्तियां प्रदान कर रहे हैं। जल समर्पित करते हैं, जैसे जल प्यास बुझाने वाली है वैसे ही हमारी वो आत्मीय, वो जीवात्मा जो हमारे पूर्वज थे, श्रद्धेय थे, उन तक यह जल का अंश पहुँचे और वो आत्मा उनकी जहाँ भी हो उनको उससे तृप्ति मिले, यह भाव हमारा रहता है। तो जल से प्यास दूर करने का भाव रहता है, दूध से हमारी सतोगुणी वृत्तियाँ उन तक पहुँचें, भाव उन तक पहुँचें, ये भाव रहता है। जौ जो ऋषि अन्न माना जाता है, पहले ऋषि मनीषी सब जो खा करके जीवन गुजारते थे, तो लगता तो था, आजकल के लोगों का मानना है कि उस समय कोई और अनाज ना रहे होंगे, कोई और चीज़ें ना रही होंगी, इसलिए जो खाते थे। यही बात नहीं है। वास्तव में जो बड़ा पवित्र और श्रेष्ठ होता है। तिल स्निग्धता का प्रतीक है, स्नेह, जैसे माता पिता ने जिनका कि आज स्वर्गवास हो गया है हमारे प्रति जो स्नेह का भाव उन्होंने रखा था, जो सद्भाव रखा था, जो सहयोग हमको दिया था उनके प्रति अथवा उनके कार्यों के प्रति, हमारे मन में भी वही श्रद्धा का, वही स्नेह का भाव हो और उनके छोड़े हुए कार्यों को हम पूरा कर सकें, इसके लिए तिल भी उसमें मिला होता है। चावल पौष्टिकता का प्रतीक है। चावल के माध्यम से हम जहाँ भी वो चेतना है, जहाँ भी वो उनकी आत्मा है, उन तक हम अपना ये भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि जहाँ भी हैं वो पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छा रहें। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई अब तो इतना दिन हो गया, उनका कोई न कोई जन्म हो गया होगा, तो जन्म हो गया होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, जो श्रद्धा अपनी व्यक्त कर रहे हैं, वो तो श्रद्धा तो उन तक पहुँचेगी, वो श्रद्धा ही हमारे लिए लाभदायी है। गीता में भगवान ने ये बात और भी कही है, श्रद्धा मयो यम पुरुषः यो यच्छ्रद्धा स एव सः। यह पुरुष जो है वो श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह व्यक्ति मानो वैसा ही होता है। हम जैसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, अच्छे कार्यों के प्रति श्रद्धा हमारी होगी तो धीरे धीरे हम अच्छे बन जाएंगे, अच्छे कार्य करने में समर्थ होंगे। ॐ ब्रह्मादयो देवाः आगच्छन्तु गृहणन्तु एतां जलाञ्जलिं। ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्, ॐ विष्णुस्तृप्यताम्, ॐ रुद्रस्तृप्यताम्, ॐ मरिचिस्तृप्यताम्, ॐ अत्रिस्तृप्यताम्, ॐ शङ्खस्तृप्यताम्, शङ्खस्तृप्यताम्। ऋषियों का, देवताओं का, दिव्य मनुष्यों का, दिव्य पितरों का, यम देवता का, ऐसे सबको तर्पण के द्वारा हम तृप्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि इनका सबका योगदान है। देवता कौन है? वास्तव में जिनमें देने का गुण है, जिनमें देवत्व भाव है, वो देवता हैं। जो हमसे बड़े हैं,
पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, चाहे वो ज्ञान से बड़े हैं, चाहे धन से बड़े हैं, प्रतिभा से बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, कोई किसी भी क्षेत्र में बड़ा हो, मानो वो हमारे लिए देवता ही है। तो ऐसे सबके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव हो, उनको तृप्ति तुष्टि प्रदान करने का भाव हो, वास्तव में ये सब चीज़ें इसी श्राद्ध तर्पण के साथ इसमें जुड़ी हुई हैं। पहले तो कुछ ऋषियों का, कुछ महामानवों का तर्पण करते हैं, और बाद में जो मृतात्मा है उसके लिए तर्पण करते हैं। तो कई ये क्रम चलता है इसमें, और मुख्य रूप से फिर अपने जो मृतात्मा होते हैं, अपने जो पितर हैं, उनको करते हैं। और उसमें भी एक सिद्धांत और इसमें काम करता है ऋषियों का, वो तीन पीढ़ी तक उन्हें देते हैं, तीन पीढ़ी का उल्लेख करते हुए देते हैं। कई लोग पूछते हैं तीन ही पीढ़ी क्यों, अगली और पीढ़ी क्यों नहीं। वास्तव में तीन एक ऐसा प्रतीक मान लिया गया है, क्योंकि ऐसे तो फिर तो अनवस्था दोष हो जाएगा, कितनी पीढ़ियाँ होंगी। और सबसे मुश्किल बात यह होगी कि तीन से ज़्यादा पीढ़ी की जानकारी होना बड़ा मुश्किल है। जितने भी लोग हैं, आप बैठे हैं सामने, और भी जो लोग हों वो देख लें, तीन पीढ़ी से चौथी पाँचवीं पीढ़ी का किसी का नाम जल्दी से मालूम हो तो मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए ऋषियों ने एक क्रम बनाया कि तीन पीढ़ी तक हम उन्हें स्मरण करें, और तीन पीढ़ी तक हम उनको श्राद्ध तर्पण उनके लिए करते रहें, ये क्रम उन्होंने रखा है। ॐ कव्यवाडादयो दिव्य पितरः आगच्छन्तु गृहणन्तु एतान् जलांजलीन। ॐ कव्यवाडनलस्त्रिप्यतां इदं सतिलं जलम् तस्मै स्वधा नमः। ॐ यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। मनुष्यपितृतर्पणम् अस्मत्पितामहः अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो रुद्ररूपस्त्रिप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। उसी क्रम में तर्पण जब पितरों को हो जाता है तो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्रम आता है, भीष्म तर्पण का। भीष्म तर्पण क्या है? भीष्म तो एक व्यक्ति थे, हाँ व्यक्ति थे, लेकिन वो केवल व्यक्ति नहीं थे, वो एक सिद्धांत थे। क्या सिद्धांत थे? उनका ये सिद्धांत था कि उन्होंने अपना वंश नहीं बढ़ाया था, अपना विवाह नहीं किया था, अपना वंश नहीं चलाया था, बढ़ाया था, अपितु अपने को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जितने भी महापुरुष हैं, हर महापुरुष यही सोचता है कि हमारा वंश बढ़े न बढ़े, हमारी व्यक्तिगत ख्याति हो न हो, लेकिन समाज, राष्ट्र, देश, धर्म, संस्कृति का विकास हो, संस्कृति की उन्नति हो, इसीलिए वो इसके लिए समर्पित रहे हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं भाई, जिनके संतानें हैं, वो तो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण करेंगी, लेकिन जिनके संतान नहीं है, भीष्म जैसे महापुरुष जो हुए हैं, उनके लिए भी हमारा ही दायित्व बनता है कि हम उनको श्राद्ध तर्पण उनका भी हम करें, उन्हें भी तृप्ति प्राप्त हो, उनको भी संतुष्टि मिले। और उसी तरह से जितने भी महामानव देश, धर्म, समाज, राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं, अपना परिवार नहीं बनाया, उनके लिए भी श्राद्ध करने का विधान ऋषियों ने बनाया है भीष्म तर्पण के नाम पर। ॐ वैहाग्रपद गोत्राय सांकृते प्रवराय च गंगापुत्राय भीष्माय प्रदास्ये हम तिलोदकम्। और तर्पण के बाद फिर पितृयज्ञ शुरू होता है। पितृयज्ञ का तात्पर्य पिंडदान से है, पितरों के लिए यज्ञ करते हैं, देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तो स्वाहा बोल करके आहुति देते हैं, और जब पितरों के लिए यज्ञ करते हैं तो स्वधा बोल करके आहुति देते हैं, और इस प्रकार से वो पिंड स्वधा कहते हुए समर्पित किया जाता है। पिंड क्या चीज़ है, कैसे बनता है? पिंड वास्तव में व्यावहारिक रूप उसका कौर है। एक जैसे एक कौर, दो कौर, तीन कौर करते हुए क्रमशः हम भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करने वाले को तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उसके शरीर का पोषण मिलता है, होता है, उसे भूख बुझती है। उसी तरह से पिंड के रूप में पितरों को वो प्रदान किया जाता है।
तो जैसा कि अंत्येष्टि क्रिया में देखा होगा, जाना होगा, 5 पिंड वहाँ प्रदान किए जाते हैं, ऐसे ही इस श्राद्ध तर्पण में 12 पिंड प्रदान करने का विधान है। ये पिंड जौ या गेहूं के आटे का बनाया जाता है, जिसमें दूध है, तिल है, शहद है, घी है, ये सारी चीज़ें मिला करके उसको बड़े सुंदर रूप में गोल गोल बनाते हैं और इस तरह से उस पिंड का पहले पूजन करते हैं और फिर वैदिक मंत्रों के साथ अपने उन पूर्वजों का ध्यान करते हुए उनको समर्पित करते हैं, स्वधा कहते हुए। वास्तव में जैसा कि अभी हमने कहा कि पिंड या जल उस रूप में तो नहीं पहुंचता, लेकिन जिस श्रद्धा और भावना से हम उसे समर्पित करते हैं वह श्रद्धा और भावना वहाँ तक पहुँचती है, उसी से उन्हें तृप्ति मिलती है, संतुष्ट मिलती है, उनका उनकी भूख बुझती है एक तरह से। ब्रह्मणो ये पितृवंश जाता मातुस्तथा वंश भवा मदीया। ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः असुम्य ईयुरविकारितज्ञाः तेनोवन्तु पितरो हवेषु पिण्डं समर्पयामि। के समर्पण के बाद फिर भूत यज्ञ होता है। भूत कहते हैं प्राणियों को, जो क्षुद्र प्राणी हैं, छोटे प्राणी हैं, ऐसे प्राणी हैं जो अपने भोजन का इंतजाम स्वयं से नहीं कर पाते, उनके लिए मुश्किल होती है। तो हमारे ऋषियों ने विधान बनाया कि ऐसे समय जब हम सबको संतुष्ट करने के लिए, अपने पूर्वजों को, पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, तो ऐसे समय में उन क्षुद्र प्राणियों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्षुद्र प्राणी कौन कौन से हैं? जैसे घर पे गाय प्रायः होती, गाय जैसे पशु हैं, पशुओं में गाय सबसे सौम्य मानी जाती है, गौ माता कहते हैं। तो गौ माता का मुख्य रूप से है श्वान, कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त होता है, व्यक्ति की कितनी सेवा करता है, कितने निकट रहता है, सुरक्षा करता है, उसको मान लिया। कौवा, कौवा भी इसी तरह से है, देखने में तो कौवा काला कलूटा होता है लेकिन गंदगी दूर करने में वो बड़ा सहयोगी होता है, उपयोगी होता है। तो कौवा भी कहीं ना कहीं प्रकृति का ऐसा घटक है जो प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बनाने में उसका योगदान होता है। और देवता स्वयं इस दिशा में काम करते हैं, देवताओं के द्वारा, धरती के, सूर्य के, वायु के, इनके द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड का सारा क्रम चलता है, मानव मात्र, प्राणी मात्र का क्रम चलता है। और पिपीलिकादि जो चींटी जैसे छोटे जीव जंतु होते हैं, चींटी है, मछली है, कोई और इस तरह के हैं, तो ये 5 प्रमुख प्रतीक मान लिए गए हैं। और धरती पर, ब्रह्मांड में तो न जाने कितने असंख्य जीव जंतु हैं, लेकिन उनके ये 5 प्रतीक हैं। पशुओं में गौ और कुत्ते को माना गया है, पक्षियों में कौवे को, देवता स्वयं में हैं, और क्षुद्र प्राणियों में पिपीलिका को, चींटी को माना गया है। इन सब के लिए कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ देने का विधान इसी के साथ जोड़ा गया है, इसको पंचबलि कहते हैं। पंचबलि, बलि शब्द से एक बात और समझ लेनी चाहिए, जैसा मध्यकाल में हुआ बलि का अर्थ लगाया जाता है कि किसी के सामने किसी पशु को या किसी को काट दिया जाए, काट करके, मार करके समर्पित किया जाए, वास्तव में किसी देवी देवता के समक्ष मार करके समर्पित करना ये बलि नहीं है। बलि वास्तव में भोज्य पदार्थ समर्पित करने को है। अब आप देख रहे हैं कि गौ को, श्वान को, काक को, देव को, और इनको ये जो बलि प्रदान की जा रही है, तो वास्तव में गाय को मार के नहीं, कुत्ते को मार के नहीं, अपितु उनको खाद्य पदार्थ समर्पित करते हैं, जिससे कि उनकी भूख बुझे, उनको खाने का क्रम प्राप्त हो। तो ये इसके साथ बलि की एक बात इसके साथ जरूर समझने योग्य है कि बलि का तात्पर्य भोज्य पदार्थ देने का है, किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का है, पूज्य भाव प्रदर्शित करने का है, न कि किसी की जीवन लीला समाप्त करने की है। तो इस प्रकार से ये सब मिल करके श्राद्ध तर्पण का, मरणोत्तर संस्कार का एक स्वरूप बनता है। मनुष्य के ऊपर अपने पितरों का कितना ऋण चढ़ा होता है, उन ऋणों को उतारने के लिए ऋषियों ने यह पद्धति बनाई है कि उन पितरों का कितना उपकार हमारे प्रति है, उंगली पकड़कर चलने से लेकर के पढ़ने लिखने तक, शादी ब्याह तक, कमाई धंधे तक, न जाने क्या क्या, मकान घर बनाने तक क्या क्या योगदान उन्होंने हमारे लिए दिया। इसलिए
हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनके छोड़े हुए कार्यों को संपन्न करें, उनके आदर्शों सिद्धांतों पर चलकर उनके नाम को और ऊंचा करें। तो इस तरह से उन पितरों को भी संतुष्ट मिलेगी और हमारा जीवन भी धन्य बनता चला जाएगा, हमारा जीवन भी श्रेष्ठ और समुन्नत होता हुआ चला जाएगा। वास्तव में संस्कार का मुख्य प्रयोजन ही यही है कि जीवन पूर्णता के लक्ष्य तक प्राप्त हो, जीवन धन्य बने, जीवन समग्र बने और जीवन की समग्र उन्नति हो, जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। तो इसी उद्देश्य से इस मरणोत्तर संस्कार का भी विधान ऋषियों ने बनाया है, जो आज भी हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। यदि वो अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहता है तो उसे ये संस्कारों के अंतर्गत इस मरणोत्तर संस्कार को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना और संस्कारों को दिए जाते हैं।